हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौविक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एक रेलवे जॉब के डिटेल्स बताऊंगा। रेलवे जॉब जो कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में फिर से निकला हुआ है। 35,277 के जो पोस्ट निकला हुआ है, वैकेंसी निकला है, उसके बारे में मैं डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कौन कौन लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे पे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो भी देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के जो निकला हुआ है आरआरबी के तरफ से 2019 में, इस ह्यूज वैकेंसी निकला हुआ है इस मंथ में फेब्रुआरी में। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज से इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो शुरू हो गया है। तो एप्लीकेशन करने के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा इसका जो डिटेल्स है मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसी जो है 35,277 एंड जनरल वालों के लिए 15,131 वैकेंसी है। उसके अलावा ओबीसी जो है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 8,712 वैकेंसी निकला हुआ है। इसके अलावा EWS जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया गया है, इसमें से भी 4,000 के भी यहाँ पे आपका वैकेंसी निकला हुआ है। इसके अलावा SC के लिए 5,127 एंड ST के लिए 2,787 वैकेंसी यहाँ पे जो कि अवेलेबल है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन डेट जो है आज से शुरू हो गया है, फर्स्ट मार्च 2019 एंड लास्ट डेट इसका जो है 31 मार्च 2019। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। जो लोग 12th पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो है, वो लोग यहाँ पे इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 12th पास और 10+2 पास है। तो दोस्तों, जो लोग अभी 12 पास कर चुके हैं वो लोग अभी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग ग्रेजुएशन है वो लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग 12 प्लस है उन लोगों के लिए एप्लीकेशन करने के वक्त आपको यहाँ पे 50% आपका जो टोटल मार्क्स है आपको होना चाहिए आपके 12 पास सर्टिफिकेट में, उसके बाद ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 12 पास में यहाँ पे जो जो पोस्ट निकला उसको भी मैं एक बार डिटेल्स में बता देता हूँ। तो फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए निकला हुआ है, उसके बाद अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर एंड ट्रेन्स क्लर्क एंड टिकट क्लर्क के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो पोस्ट निकला हुआ है 10+2 जो लोग एजेस पास कर चुके वो लोग ये जो पोस्ट है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने के लिए आपका मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स तक आप एप्लीकेशन कर सकते। उसके बाद दोस्तों, जो लोग ग्रेजुएट हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे भी पोस्ट निकला हुआ है, उन लोग स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट क्लर्क एंड स्टेशन मास्टर के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। ग्रेजुएशन जो लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे मिनिमम एज जो है 18 एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे 33। तो जो लोग ग्रेजुएट है वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के बाद आप तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एंड जो लोग SC ST फिजिकली हैंडीकैप है उन लोगों के लिए 250 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसके पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग जनरल ओबीसी है वो SC ST PW जो फिजिकली हैंडी है उन सभी लोगों को यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिटर्न दिया जाएगा। जनरल ओबीसी वालों के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज है और 400 रुपीज़ आपका रिटर्न मिल जाएगा एंड जो लोग SC ST फिजिकली हैंडीकैप है उन लोगों के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा एंड ये टोटली आपको रिफंड कर दिया जाएगा RRB जो ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था उसके जैसा। तो दोस्तों, यही था आज की डिटेल्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के जो 35,277 वैकेंसी निकला हुआ है। आज से डेट एप्लीकेशन शुरू हो गया है, तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर दीजिए। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन और डाउट रहता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स के जाके कॉमेंट कर सकते, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड।